टू माय चैनल ब्लॉसम वाइब्स। मैं हूं नैंसी और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी सुरक्षित भी। पहली चीज ये बताइए कि कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन ग्लो करे। भाई ग्लोइंग स्किन पाना तो हर एक इंसान चाहता है। अगर ग्लोइंग स्किन के लिए आपके घर के ही इंग्रेडिएंट्स आपके चेहरे पर जादू कर दे तो यकीनन ये सुन के आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्चने से अच्छा है कि आप होम रेमेडीज को अपने फेस पर लगाएं, अपने बॉडी पॉलिशिंग पर लगाएं और रिजल्ट आप देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जो है बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो अक्सर हम अपनी दादी और नानी से सुना करते थे और कहीं ना कहीं इसको हम खाते भी हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ दही की, यानी कि कर्ड की। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा पैक बताऊंगी जिससे ट्रस्ट मी, अगर आप इस पैक को एक महीना कंटिन्यू लगा लेंगे तो आपके आस पड़ोस वाले आपसे पूछेंगे जरूर कि आप क्या कर रहे हैं। दरअसल आज जो पैक मैं आपको बता रही हूँ वो हम बनाएंगे दही से, और दही में महज सिर्फ एक चीज आपको मिलानी है। वो चीज जब आप मिला लेंगे तो आपके चीक्स यानी कि आपके गाल एकदम लाल हो जाएंगे और स्किन में एक नया सा ग्लो आ जाएगा और एकदम ग्लास स्किन आपको मिलेगी। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्ड यानी कि दही की। जब गर्मियां होती हैं तो हमें दोपहर में दही चाहिए होता है, छाछ चाहिए होती है या फिर लस्सी चाहिए होती है क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छे से बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे जो ब्यूटी सेल्स होते हैं उसको भी इंक्रीज करता है। इसलिए बहुत ही सिंपल है आज का ये पैक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। बट हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि मैं जब जब आऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा अगर बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो इस रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले करना होगा अपने चेहरे को क्लीन। तो हो चुका है फेस एकदम क्लीन, कोई भी मेकअप नहीं है, क्लीन फेस है अच्छे से। तो हमें यहाँ पर चाहिए टोमेटो, मैंने यहाँ पर हाफ टोमेटो लिया है। हमें यहाँ पे चाहिए कर्ड, मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून कर्ड ले लिया। अब मैं यहाँ पर इस पे टोमेटो का जूस डालूंगी। देखो मैं इसी को इसको ऐसे स्क्वीज कर रही हूं, इसका पल्प है वो अच्छे से चला जाए। इस पर डालेंगे थोड़ा सा हनी। सी, हनी इज अ एक्सेप्शनल पार्ट, ये आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। बट अगर हनी आपको सूट नहीं करता है और अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है हनी का। आप खाली कर्ड और टोमेटो के जूस को मिला के भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हनी ले लिया। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, थिक नहीं होता है। तो मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। गाइस सी, अब मैं क्या कर रही थी, जब 5 मिनट्स हो गए थे तो मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही थी, जस्ट लाइक दिस। आपको भी हल्के हल्के हाथों से, तो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो आपको इसको मसाज करना है ऐसे। अपने अंडर आई एरिया पे भी, गालों पर भी, ऊपर की तरफ हमेशा आपको ऐसे मसाज करना है। जो बहुत लूज होती है उसे टाइट होने लगती है। अगर आप ये मसाज नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, बट मसाज करेंगे तो इससे आपकी ही स्किन अच्छी होगी। ये सब करते करते 15 मिनट्स मुझे हो गए हैं, अब मैं इसको वॉश करती हूँ। सो स्किन मैंने वॉश कर ली है, आप देख सकते हैं शाइन देख रहे हैं, ग्लो देखिए। तो देखा आपने, बेहद ही सिंपल है
ये कट पैक कह सकते हैं या ग्लोइंग फेस पैक कह सकते हैं, दही में मिलाना है टोमेटो जूस। जी हाँ, टोमेटो जूस और कट, ये मिक्सचर जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इवन मैं यहाँ पर 100% नहीं 200% बोलूंगी। प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा ये मेरे उड़ते हुए बाल, क्योंकि फैन चल रहा है और उससे बाल ऐसे उड़ रहे हैं। खैर, टॉपिक से भटकते नहीं है, टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर्ड और टोमेटो जूस को मिलाया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जब आप इस पैक को लगाएंगे तो कोई भी हार्म नहीं होगा। वेदर यू हैव अ ड्राई स्किन, अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, या फिर नॉर्मल स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, ये जो पैक मैंने आपको बताया है ये सारे स्किन टोन के लिए सूटेबल है। दूसरी चीज, अगर आपको टोमेटो के जूस से एलर्जी है तो आप लेमन का जूस इसमें मिला सकते हैं। हालांकि मुझे दोनों में से किसी से भी एलर्जी नहीं, आप टोमेटो के जूस को नहीं लगा सकते अगर आपकी स्किन को वो सूट नहीं करता है, तो आप लेमन के जूस को ही डाल दीजिएगा। और अगर आपकी स्किन को लेमन नहीं सूट करता है तो आप जो है इसके अंदर टोमेटो के जूस को मिला सकते हैं। हनी एक एक्सेप्शनल चीज है, आप हनी मिलाना चाहते हैं तो मिलाएं, अदरवाइज अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इस पैक में मैंने हनी को थोड़ा सा मिलाया है ताकि जो स्किन है वो थोड़ी टाइट रहे और काफी अच्छे से रिजल्ट देखने को मिले। बट स्किन टाइटनिंग के लिए हनी का पार्ट है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, आपकी स्किन पे इस पैक को अगर आप टोमेटो और कर्ड के पैक को मिलाएंगे तो आप एक नया ग्लो देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी और आपकी स्किन ग्लोइंग के लिए भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। फिलहाल मैं तो चली, मगर आप कहाँ चले? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तमाम ऐसी होम रेमेडीज मैं आप तक लेकर आ सकूं। और जल्दी जल्दी फैमिली को बड़ा करो ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। फिलहाल तो मैं चली, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून और आप अपना ख्याल रखें।